नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं टीचर्स की एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की इंफॉर्मेशन के साथ है। और ये रिक्रूटमेंट है पीजीटी, टीजीटी, पीईटी और असिस्टेंट टीचर की, और ये आई है दिल्ली में। तो ठीक है दोस्तों, बिल्कुल विस्तार से इसके बारे में हम बात करें। उससे पहले एक बात और, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टीचर्स की रिक्रूटमेंट ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आई निकल के हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से ही। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो ये देखिए दोस्तों, ये इस सप्ताह का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है, 22 से 28 जून 2019 का। इसके पेज नंबर 28 पे आप जाएंगे तो आपको ये रिक्रूटमेंट दिखाई दे जाएगी। हम चलते हैं पेज नंबर 28 पे। तो ये देखिए दोस्तों, ये है पेज नंबर 28 एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर 22 से 28 जून 2019 का जो है। हाँ, ये देखिए केरला एजुकेशन सोसाइटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एम ब्लॉक विकासपुरी न्यू दिल्ली 18 की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है। एडेड स्कूल है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली की तरफ से। तो यहाँ ये रिक्रूटमेंट आई है, पीजीटी फिजिक्स की एक पोस्ट है। यहाँ कैटेगरी दी गई है सभी अनरिजर्व्ड के लिए है, और ये पे स्केल दिया गया है। जो पीजीटी का पे स्केल है वो है 47,600 से 1,51,100 लेवल 8 का है। और इसके बाद वैकेंसी पीजीटी हिस्ट्री की एक पोस्ट है, पे स्केल वही है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की भी एक पोस्ट है। इसके बाद टीजीटी ड्राइंग की एक पोस्ट है, पे स्केल है 44,900 से 1,42,400। पीईटी मेल की भी एक पोस्ट है, 44,900 से 1,42,400 है पे स्केल। असिस्टेंट टीचर की 6 पोस्ट है, पे स्केल है 35,400 से 1,12,400 रुपए। लैब असिस्टेंट की 2 पोस्ट है, पे स्केल है 25,500 से 81,100। और एलडीसी की भी इसमें एक पोस्ट शामिल है, पे स्केल है 19,900 से 63,200। तो दोस्तों ये हैं वैकेंसियां, एक एक दो दो वैकेंसी हैं सभी की। और आगे देखिए, एज पे एंड क्वालिफिकेशन आर एज पर द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो दोस्तों DSSSB की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई थी टीचर की, वहां जो आयु सीमा, सैलरी और क्वालिफिकेशन मांगी गई थी पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए, वही यहाँ भी लागू होती है। सेम, अगर वही क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो क्वालिफिकेशन आप किसी भी DSSSB के नोटिफिकेशन में देख लीजिए, या ये वेबसाइट है edu.del.nic.in, तो यहाँ पे भी आपको बिल्कुल डिटेल से मिल जाएंगी। Only seated qualified candidate will be eligible for the post of assistant teacher. Preference will be given to the candidates with the knowledge of Malayalam. और दोस्तों preference उन candidates को दिया जाएगा जिन्हें मलयालम भाषा आती है। Candidate are requested to apply to the manager, Kerala Senior Secondary School, M Block, Vikaspuri, New Delhi, within 21 days from the date of advertisement by registered post only, along with the attested testimonials, that is self-attested copies of certificate, mark sheet, एटसेट्रा। तो दोस्तों आपको ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है, जो ये एड्रेस दे रखा है यहाँ पे रजिस्टर्ड पोस्ट से अपनी एप्लीकेशन भेजनी है, और ये एडवर्टाइजमेंट जारी होने के 21 दिन के अंदर अंदर आपको सेंड करनी है। तो उसके बाद कुछ नोट दे रखे हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एनी मस्ट मेंशन डेजिग्नेशन एंड द पोस्ट हेल्ड, पे स्केल पीरियड एंड शुड बी countersigned by the concerned DDE zone. Government employee must route their application through proper channel along with NOC. Incomplete application and application received after closing date shall not be considered in any case. तो आप देख लीजिएगा। और लास्ट में देखिए, only shortlisted candidate will be called for interview. तो interview के basis पे selection होना है, और shortlist किया जाएगा जितने भी application form पहुंचेंगे उनमें से shortlist किया जाएगा candidate को, और सिर्फ shortlisted candidate को ही interview के लिए इसमें बुलाया जाएगा। कोई इसमें application fees नहीं है। प्रेफरेंस दिया जाएगा जिन्हें मलयालम लैंग्वेज की नॉलेज है। ठीक है दोस्तों, मेन मेन सारी इंफॉर्मेशन इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। बाकी और भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए और विस्तार से नोटिफिकेशन आपको देखना है, तो आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देख सकते हैं इस सप्ताह का। यही एक अपडेट आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचानी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। बाकी इसी प्रकार की अन्य जानकारियों के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।